हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं जजिक ब्लॉग। आज मैं सवेरे नाश्ता अपने ब्रेकफास्ट, देखिए मैं ब्रेकफास्ट क्या लूँगी, ये पपीता है। और सुबह हम ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही देते हैं और बाकी कोई भी किसी तरह ब्रेकफास्ट नहीं करते, सिर्फ फ्रूट्स। तो आज मेरा पास खीरा नहीं है। अब दिवाली का टाइम था, लास्ट 3-4 दिन से बाहर ही नहीं जा पाए, तो खीरा नहीं है। अभी बहुत सारा फ्रूट्स भी नहीं है, लेकिन पपीता था तो भगवान को नहीं चाहता। तो पपीता ये बहुत खूबसूरत है, पपीता बहुत ही मीठी है और बहुत ही बढ़िया दिखी दाना है इसमें। और कई बार पपीता लाती हूँ ना तो बहुत ख़राब होता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है और धीरे धीरे एकदम पके हुए रहते हैं और खाने में भी अच्छा नहीं लगता, स्वाद नहीं लगता। लेकिन ये पपीता बहुत ही सुंदर है। कल हम लोग पपीता नहीं खाए थे, लेकिन आज पपीता खा रहे हैं क्योंकि आज सैटरडे है और खीरा भी नहीं है। तो और सेव भी नहीं रखा मैंने, क्योंकि जब पपीता खाते हैं तो उस दिन सेव नहीं खाते। और ये भगवान को फ्रूट चलाया मैंने, फ्रूट्स भी फ्रीज से ख़त्म हो गया। देखिए अनार है, 2 खजूर है, 1 संतरा है और 1 अमरूद है, तो मैंने काट लिया। 1 अमरूद है, अमरूद भी पक गया पूरी तरह से, कई दिन से खाना लगातार कई दिन से भगवान के फल चला रहे थे। तो आज अमरूद कोई बात नहीं, इससे काम चल जाएगा। और थोड़ा सा अनार के दाना है जो दुर्गा माँ को चढ़ता है, हनुमान जी को चढ़ते हैं, खजूर है ना वो शिव जी का रस चढ़ाया था मैंने, और संतरा है कृष्ण जी का चढ़ाए थे, अमृत गणेश जी का चढ़ाए थे। तो कोई बात नहीं, से काम चल जाएगा, कल तक सामान आ जाएगा। और आज तो कुछ भी नहीं है, गोवर्धन पूजा हम लोग नहीं करते। आज गोवर्धन की पूजा भी है और जो वृंदावन है और वहाँ पर है मथुरा है, वहाँ पर गोवर्धन को बहुत मान्यता है, वहाँ बहुत पूजा होता है। अभी यूपी के लोग भी बहुत मानते हैं, गोवर्धन पूजा होते हैं, कृष्ण जी का पूजा होता है उस दिन। अन्नकूट पूजा भी है, काल भाई दूज है। तो आज मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो थोड़ा सा बना लूँ थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो पर बने रहिए, थैंक यू फ्रेंड्स। और आप पहले बार आए होंगे तो मेरे वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू फ्रेंड्स। पहले प्लेट था मेरे बच्चे का और ये प्लेट मेरी है। आज संध्या हम दोपहर में 12 बजे लेंगे, ये प्लेट मेरी है। बस नाश्ता है सुबह से लेकर अभी तक का, जैसे मैंने चाय लिए थे, उसके बाद अभी 11 बजे 10:30 बजे ब्रेकफास्ट है। और अभी खाने में भी बनाएंगे, दाल चावल बनाएंगे और ये थोड़ा सा भाजा भुजी करेंगे, थोड़ा सा भूज देंगे परवल, ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, सिंपल खाना है सैटरडे। तो थैंक यू फ्रेंड्स वेरी मच वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।